नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ देख नगर में सपू शास्त्री। और ये जो मंच पर बैठे हैं ये और कोई नहीं है, नोदय नगर वार्ड नंबर 13 के सभासद सिंह पाल सैनी जी हैं। ये क्या बोल रहे हैं ये आप खुद सुनिए, फिर मैं बताता हूँ। हमारी मातृशक्ति को अपने बच्चों से प्यार क्योंकि ज्यादा है, इन्हें चिंता है इसलिए यहाँ आती है। इनको इतनी चिंता है कि एक बच्चे को कहीं लग गया, बच्चे बहुत जल्दी अब्सॉर्ब करते हैं इसको, उसके छींकने खांसे से कोड़ी आ गया कहीं मांगने आपके यहाँ, और उन्हें छींक दिया और खांस दिया, और बच्चे तो उसकी गाड़ी देखेंगे, वो गाड़ी चार पंजों छुट सी लाते हैं कुछ वो अड़काता वो, अगर कहीं लग गया और है फिर जो है सात जन्मांतर तक, सात पीढ़ी तक वो निकलता नहीं, खून में रम जाता है। आज मुझे जर्म्स लगेगा बच्चों को हमारे मार दिया, वो 5 साल बाद तो उजागर होगा, 5 साल तक चलने का ही पता नहीं चलने का उसका, 8 साल तक जिसकी इम्यूनिटी ज्यादा होगी उसका जाके पता चलेगा 12 साल बाद, वो इतना 20 साल का हो जाएगा, और 20 साल बाद उसके पैर और हाथ टूट हो जाएंगे, ना वो शादी का रहने का ना कह का रहने का। और मैं तो ये भी कहता हूँ यहाँ की जिस गांव में कुष्ठ रोगी है, कुष्ठ नहीं है, जहाँ कुष्ठ रोग या आदमी हो या औरत हो, वहां के लोग बाग वहां की लड़कियां नहीं लेते, वहां की लड़कियां देते नहीं, लड़कों की शादी नहीं होती वहां के, ये प्रूफ है हमारे पास, ये हमारे पास जो है वहां के प्रूफ है। मास्टर जो विद्यालय में पढ़ाता है वहां 10 मास्टर है, 6 मास्टर हैं। ये जो बोले हैं, जो समझा रहे हैं, इनकी भी बात नहीं मानती है भाजपा की सरकार यानी उत्तराखंड की सरकार। बात करें तो बंदरा कटारिया के नाम पे जो स्टेडियम बना हुआ है ये पॉस एरिया बन चुका है, और यहाँ पे कुछ रुकी आश्रम बनाया जा रहा है। इतना आंदोलन होने के बावजूद भी सरकार के कानों में जू तक नहीं दे रही है कि आखिर में इसको कहीं और शिफ्ट किया जाए। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप लोग, आप लोग का कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि आखिर में इसके लिए क्या किया जाए। आंदोलन जारी है और आंदोलनकारी भी थक चुके हैं कि आखिर में कौन सा रास्ता निकाला जाए। देखते रहे द न्यूज, बहुत कुछ दिखाएंगे। नमस्कार।